हे दोस्तों, बड़े होते होते आपने ये बात जरूर सुनी होगी किसी ना किसी के मुंह से कि देख भाई, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, वरना मैं पक्का अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करता और खूब सारे पैसे कमाता। मैंने तो ऐसी बातें बहुत लोगों के मुंह से सुनी थी, इसलिए मुझे भी यही लगता था कि हाँ, बिजनेस करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे होने चाहिए, और अगर ज्यादा पैसे नहीं है तो आप बिजनेस नहीं कर सकते हो। जो कि अभी कुछ साल पहले ही मुझे पता चला कि ये मेरी एक बिल्कुल गलत सोच थी। मुझे पता चला कि सच तो यह है कि हम बहुत कम या ना के बराबर इन्वेस्टमेंट करके भी अपना माइक्रो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे हम आराम से बहुत पैसे और फ्रीडम कमा सकते हैं, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं पैसों के टेंशन से। वेल, एक अंदर की बात बोलूं तो मुझे बुक्स पढ़ने का शौक स्टार्ट ही तब से हुआ जब मैं एक दिन हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस विद स्मॉल इन्वेस्टमेंट कुछ ऐसे ही नाम का एक वीडियो देख रहा था, जिसके एंड में मुझे 3 बुक्स पढ़ने की सलाह मिली थी, जो फिर मैंने फॉलो की, बुक्स पढ़ी, और फिर वहीं से मेरी लाइफ में इतने चेंजेस आना स्टार्ट हुए और मैं आज यहां तक पहुंच गया। अगर आप मुझे फॉलो करते होंगे कुछ टाइम से तो आपको पता होगा वो 3 बुक कौन सी थी, और अगर नहीं पता और जानना है तो मैं कमेंट में बता दूंगा। और ये सारी बातें अभी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो से मैं भी होप करूंगा कि आपकी लाइफ में कुछ बड़े चेंजेस आए और आप भी इंडिपेंडेंट हो सको पैसों के टेंशन से, अपना खुद का माइक्रो बिजनेस स्टार्ट करके। चलो बहुत हो गई मेरी बात, अब करते हैं बुक की बात। अगर आप इन 6 क्राइटेरिया में से बस किसी 2 में भी फिट आते हो तो ये बुक और ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। नंबर 1, आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है या अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को बढ़ाना है। नंबर 2, आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा पैसे नहीं है। नंबर 3, आप अपने मनपसंद का काम करना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो फ्रीडम के साथ। नंबर 4, अगर आप चाहते हो कि आपकी साल की नेट इनकम 30 लाख से ज्यादा हो। नंबर 5, अगर आपकी टीम में आप अकेले हो या 5 लोग से कम लोग हैं। नंबर 6, अगर आपके अंदर कोई बहुत ज्यादा स्पेशल स्किल नहीं हो तो। अब कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे, अरे ये सब बकवास है, ऐसा होता तो हर कोई यही कर रहा होता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उन नेगेटिव लोगों को बता दूं, आज जिस बुक की समरी मैं आपको देने जा रहा हूं, उस बुक के ऑथर ने 1500 माइक्रो एंटरप्रेनर्स के इंटरव्यू लिए और सर्वे किए, जो सबके सब इस 6 में से एटलीस्ट 4 क्राइटेरिया में फिट बैठते थे, और जिन्होंने ये सब सच में करके दिखाया है। और उन्होंने ये सब कैसे करके दिखाया, आज मैं आपको वही समझाने वाला हूं कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन करके। नंबर 1, 3 थिंग्स यू नीड। एकदम सिंपल वे में समझे तो बिजनेस करने के लिए हमें बस 3 चीज चाहिए। पहला और सबसे मेन, एक प्रोडक्ट या सर्विस जो आप बेच सको। दूसरा, कुछ लोग जो आपके उस प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदने के लिए रेडी हो। और तीसरा, एक तरीका जिससे आप इजीली पैसे का लेन देन कर सको। बस ये 3 चीज मिला दो तो आप एक एंटरप्रेनर बन जाओगे। अब पहले का एक टाइम था जब ये तीनों चीजों को पॉसिबल करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते थे। प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए आपको बहुत पैसे, जगह, ज्यादा लोग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसी बहुत सी चीजें चाहिए होती थी। कस्टमर सर्च करने के लिए भी आपको अगेन पैसे खर्च करने पड़ते थे या बहुत मेहनत करनी पड़ती थी उन तक पहुंचने के लिए, और पेमेंट्स के लिए भी कोई इजी तरीका नहीं था। बट आज ऐसा नहीं है। आज आप टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की हेल्प से घर बैठे बैठे या इससे भी बेटर, दुनिया घूमते घूमते एक प्रोडक्ट बना सकते हो, उसे इंटरनेट से ही दुनिया भर के लोगों तक पहुंचा सकते हो, उन्हें अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो, और तो और उनसे पेमेंट भी एकदम इजीली ले सकते हो पेपाल जैसे गेटवे का यूज करके। यकीन करो, आज हजारों लाखों लोग ऐसे माइक्रो बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं जिनसे वो अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे हैं, और जिनमें से एक छोटा एग्जांपल मैं खुद भी हूँ। आज मैं दुनिया में कहीं भी जाके अपना काम कर सकता हूँ, बस मुझे एक लैपटॉप और इंटरनेट चाहिए। और मैंने खुद ने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के लिए बहुत कम इन्वेस्टमेंट किया था, जिसके रिटर्न्स आज मुझे बहुत अच्छे मिलते हैं। सो ये बात भूल ही जाओ कि आपको बहुत ज्यादा पैसे चाहिए होंगे एक माइक्रो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ये था पहला टेक अवे इस बुक का। आगे आने वाले की पॉइंट्स आपको प्रोडक्ट और कस्टमर्स के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देंगे। नंबर 2, एरिया ऑफ कन्वर्जेंस। यहाँ एरिया ऑफ कन्वर्जेंस बोला गया है 2 सर्कल के बीच के इंटरसेक्शन को, जिसमें से पहला सर्कल रिप्रेजेंट करता है आपके पैशन को, और दूसरा सर्कल रिप्रेजेंट करता है उस चीज को जिसकी लोग केयर करते हैं, जिसकी लोगों को नीड है। और ऑथर कहते हैं कि आपको अगर पैसे कमाना है तो आपको इसी एरिया में सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एग्जाम्पल, आपका पैशन बहुत कुछ हो सकता है, आइसक्रीम खाना, पिज्जा खाना, घूमना, लेकिन अगर आपके इन पैशन से लोगों को कोई फायदा ही नहीं हो रहा है या उन्हें ये जरूरत ही नहीं है कि आप किसी भी रीजन की वजह से आइसक्रीम खाते रहो, तो फिर आप वो करके पैसे नहीं बना सकते हो। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप अपना बिजनेस पैशन और लोगों की नीड के बीच के इंटरसेक्शन में ही आने वाले कामों से रिलेटेड काम में बनाओ। एग्जाम्पल, मेगन हंट एक क्रिएटिव इंसान थी जिन्हें एंटरप्रेन्योर बनने का बहुत शौक था। वैसे तो उनके कुछ पैशन थे जिन पे वो काम कर रही थी, बट फिर उन्हें अपने एक अलग पैशन का पता चला जिससे वो एक बहुत अच्छा बिजनेस क्रिएट कर सकती थी। वो हमेशा जब लोगों की शादियों में जाती थी तब वो अपने हाथ से बने हुए बुकेज लेकर जाती थी जो लोगों को बहुत पसंद आते थे, और फिर लोगों ने उनकी डिमांड करना भी स्टार्ट कर दी थी। सो इसी चीज से हिंट लेकर फिर उन्होंने क्या किया कि अपने हाथ से हैंडमेड शादी के कपड़े और बुकेज बनाना स्टार्ट कर दिए, जो फिर वो डिमांड के हिसाब से लोगों को बेचने लगी। अब क्योंकि ये चीज उनका पैशन भी था और लोगों को अपने इतने खास दिन के लिए, मतलब शादी के लिए, ऐसे यूनिक और स्पेशल चीजों की नीड भी थी, इसलिए इसका रिजल्ट भी काफी अच्छा निकला। उन्होंने अपने पहले साल में इस बिजनेस से 25 लाख रुपए कमाए और अभी और ज्यादा कमा रही है। सो इसी तरह आप भी उस एरिया ऑफ कन्वर्जेंस पे फोकस करो, क्योंकि वहीं आप लोगों को सर्व कर सकोगे, वहीं सारे पैसे बनेंगे और वहीं सब खुश भी रहेंगे। नंबर 3, स्किल ट्रांसफॉर्मेशन।
अब बहुत बार आपको आपका पैशन डायरेक्टली बिजनेस क्रिएट करके नहीं देगा, बल्कि आपको पैशन रिलेटेड जो स्किल्स होगी वो आपको बिजनेस क्रिएट करके देगी। एग्जाम्पल, गैरी लेफ का पैशन था ट्रैवल करना, स्पेशली इंटरनेशनल ट्रैवलिंग, मगर वो ये भी जानते थे कि कोई उन्हें ऐसे घूमने के लिए पैसे नहीं देने वाला है। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि अपने इंटरनेशनल ट्रैवलिंग से सीखी गई माइल्स रिडीम करने की स्किल का उन्होंने एक बिजनेस बना दिया। मतलब बहुत सी एयरलाइन कंपनीज प्रोग्राम चलाती रहती है जिसमें पार्ट लेने से और उनकी फ्लाइट्स यूज करते रहने से हमें रिवॉर्ड्स, पॉइंट्स या माइल्स मिला करते हैं, और जब कुछ स्पेसिफिक माइल्स कंप्लीट हो जाते हैं तो आप उन पॉइंट्स को रिडीम करके फ्री में भी टिकट निकलवा सकते हो। अब ये चीज बोलने में तो सिंपल लग रही है, पर लोगों को स्टार्टिंग में यूजुअली आइडिया नहीं होता कि वो अपने पॉइंट्स रिडीम कैसे करे, और वो कंफ्यूज होने लगते हैं क्योंकि ये प्रोसीजर थोड़ा मुश्किल होता है। सो यही प्रॉब्लम को समझकर गैली ने माइल्स रिडीम करके लोगों की टिकट्स बुक करना स्टार्ट कर दी, जिस बिजनेस का आउटकम ये निकला कि वो बस इसी चीज से साल के $75,000 मतलब 48 लाख रुपीज कमाने लगे। और ये एग्जाम्पल इसी मैजिक फॉर्मूला का रिजल्ट है, जो है पैशन या स्किल प्लस यूजफुलनेस इक्वल्स सक्सेस। नंबर 4, एड वैल्यू गेट फ्रीडम। एक बिजनेस स्टार्ट करते टाइम सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी होगी वो ये है कि आप कितनी वैल्यू लोगों की जिंदगी में ऐड करने वाले हो अपने प्रोडक्ट या सर्विस से, क्योंकि जितना ज्यादा आप वैल्यू क्रिएट करोगे उनके लिए उतना ज्यादा आपका बिजनेस सक्सेस होगा। और ये वैल्यूज आप कुछ ऐसे क्रिएट कर सकते हो। देखो, हर इंसान को अपनी लाइफ में कुछ चीजें ज्यादा चाहिए होती है और कुछ चीजें कम, जैसे कि लोगों को ज्यादा प्यार चाहिए, ज्यादा पैसे, ज्यादा एक्सेप्टेंस, ज्यादा फ्री टाइम एक्सेट्रा। और अगर आप उन्हें ये चीजें दे सकोगे अपने प्रोडक्ट से तो आप वैल्यू क्रिएट करने लगोगे। और इसके उल्टे साइड पे आप उनकी कुछ चीजें कम करके भी पैसे कमा सकते हो, जैसे कि उनका स्ट्रेस कम करके, कॉन्फ्लिक्ट कम करके, स्ट्रगल या अनसर्टेनिटी कम करके एक्सेट्रा। एग्जाम्पल, कॉमेडियंस लोगों के स्ट्रेस कम करके पैसे कमाते हैं, कंसल्टेंट कॉन्फ्लिक्ट परेशानी स्ट्रगल कम करके पैसे कमाते हैं, और ऐसे ही हर कोई कुछ चीजें कम या ज्यादा करके अपने पैसे कमा रहा है। सो इसी तरह आप भी अगर दूसरों के लिए कुछ वैल्यू क्रिएट करोगे तो आप भी अच्छा बिजनेस क्रिएट कर सकोगे। एक रियल एग्जाम्पल इस बुक से बताऊं तो, अगर आपको पता होगा एवरनोट सॉफ्टवेयर है नोट्स लेने के लिए जो बहुत लोग यूज करते हैं, जिनमें से एक यूजर का नाम था ब्रेट। अब क्योंकि वो खुद एवरनोट के रेगुलर यूजर थे तो उन्हें एक बात समझ में आई कि एवरनोट यूज कैसे करना चाहिए, ये चीज सीखने के लिए कोई अच्छा सोर्स नहीं था इंटरनेट पे। तो ये अपॉर्चुनिटी देखकर उन्होंने क्या किया कि एक बुक रेडी करी कई महीने काम करके, जिसमें उन्होंने डिटेल में स्क्रीनशॉट्स, डायग्राम और अलग अलग टिप्स एंड ट्रिक्स डाली कि एवरनोट कैसे यूज करना चाहिए। और फिर इस बुक के प्रोडक्ट को उन्होंने बेचना स्टार्ट किया, जिसके रिजल्ट बहुत सरप्राइजिंग थे। ये चीज बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी काम करने लगी। वो अपनी बुक बेच के दिन के एटलीस्ट $300 कमाने लगे, जो साल के अराउंड $1,20,000 होते हैं, मतलब समझो 77 लाख रुपीज। जो अगेन सब कुछ कैसे हुआ, वैल्यू ऐड करके। उन्होंने एक बुक में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देके लोगों का काम आसान कर दिया, जो काफी वैल्यूएबल चीज थी और जो आपको भी करनी चाहिए। नंबर 6, डिफरेंस बिटवीन फीचर्स एंड बेनिफिट्स। एक और बात जो आपको पता होनी चाहिए वो है फीचर्स और बेनिफिट्स का डिफरेंस। फीचर उसे बोलते हैं जिसे आप डिस्क्राइब कर सकते हो कुछ वर्ड्स में, जबकि बेनिफिट्स वो होते हैं जो एक इमोशनल लेवल का मैसेज देते हैं। एग्जाम्पल, मेरे चैनल का एक फीचर है एनिमेटेड बुक समरी, जबकि मेरे चैनल का बेनिफिट ये है कि मेरे वीडियोस से आपको दुनिया के कुछ सबसे सक्सेसफुल और समझदार लोगों की नॉलेज और विजडम मिलेगी, जिसकी हेल्प से वो लोग खुद सक्सेसफुल हुए और जिसे फॉलो करके हम खुद भी सक्सेसफुल और हैप्पी लाइफ बिता सकते हैं। ऐसे ही आपको भी फीचर्स के साथ बेनिफिट्स बताना भी बहुत जरूरी है। अब वीडियो से हट के कुछ बात, मैं नेक्स्ट बुक समरी कौन सी बुक पे बनाऊं, ये आप मुझे कमेंट में सजेस्ट करके बता सकते हो। और दूसरी बात, आप में से कुछ व्यूअर्स ने मुझे सीकेन के लोगो आइडियाज भेजे थे, जो सबके सब काफी अच्छे थे। थैंक्स एवरीवन जिसने भी हमें वो लोगो भेजे थे। मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अगेन आप सबके नाम लेके आपको थैंक यू बोलूंगा। अभी क्योंकि बहुत से व्यूअर ने हमें सजेस्ट किया था कि हम बस एक वर्डमार्क बना ले सीकेन का, वही बेस्ट होगा इस ब्रांड के लिए, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मेरे एक दोस्त ओम चिंचवनकर, जो कि इंडिया के काफी जाने माने डिजाइनर है, उन्होंने हमें एक यूनिक वर्डमार्क बना के दिया है जिसे हम आपसे यूज करेंगे। ओम एक बहुत ही टैलेंटेड डिजाइनर है जिनके वर्ल्ड वाइड क्लाइंट्स है और जिनका खुद का एक यूट्यूब चैनल भी है, ग्राफिक डिजाइन हिंदी में नाम का, जहां वो अपनी स्किल्स सिखाते हैं ट्यूटोरियल फॉर्मेट में। सो अगर आपको ग्राफिक्स में इंटरेस्ट है तो आप उनका चैनल जरूर चेकआउट करें, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। नाउ अगेन बुक की बात करूं तो, ये बातें मैंने आपको द $100 स्टार्टअप बाय क्रिस इस बुक से बताई है। अगर आपको बिजनेस में जरा भी इंटरेस्ट है तो आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि सच में ये बहुत अच्छी बुक है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके खरीद सकते हो। और अगर आप फ्री में बिजनेस रिलेटेड और यूजफुल बातें सीखना चाहते हो तो आप आई बटन से जाके या इधर क्लिक करके मेरे बिजनेस हैक प्लेलिस्ट के कुछ वीडियोस देख लो, वो आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे। नाउ टू एंड, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन। और इंडिपेंडेंस डे के लिए मैं एक इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा। आज हमारा देश आजाद तो हो गया है, बट हम अभी भी बहुत सी चीजों में काफी पीछे हैं। इसलिए आप मेरे वीडियोस को जितना हो सके शेयर करो, या वीडियो शेयर नहीं करना है तो बुक पढ़ने का शौक लोगों में फैलाओ। बुक पढ़ने से क्या होगा कि मेंटालिटी चेंज होगी, और मेंटालिटी चेंज होगी तो हमारा देश तरक्की करना भी स्टार्ट कर देगा। इसीलिए अगर हो सके तो मेरे वीडियोस को शेयर करो, इससे लोगों में बुक्स पढ़ने का शौक पैदा होगा। और अब टू एंड,
अगर आप मेरे वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते तो आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इससे जब भी मैं एक न्यू वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।